मेरे हस्बैंड का पेट बहुत ज्यादा भर गया है, इतना ज्यादा कि उनको सहार नहीं आ रहा। ओके, किसी और की ट्रॉली में लावारिस पानी पड़ा था और पति में रह लिया। ओके, सो क्विक सा स्टोरी टाइम करने वाली हूँ मैं। ऑल राइट, दाल एंड सब्जी ऑलमोस्ट बन चुकी है और अब मुझे पता चला है कि आटा भी नहीं है। आज आलू बीन की सब्जी है, साथ में टेढ़ी मेढ़ी रोटी है, क्योंकि गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज के व्लॉग की शुरुआत होगी खाने से। एक्चुअली दोपहर हो चुकी है ऑलरेडी और मैं खाने वाली हूँ, मैं और हेमा दोनों, कल का लेफ्ट ओवर पास्ता। पास्ता खाने के बाद हमारा प्लान बन गया कि आज हम बाहर दिन स्पेंड करेंगे, पर हस्बैंड ने कुछ भी नहीं खाया है तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो होल फूड से कोई सैलड या कुछ भी ले लेंगे। और यहाँ पे ये मुझे बहुत ही प्यारी सी पक्की मिल गई जो कि अफ्रीका से आई है और ये हैंडमेड है, पर आई थिंक ये पक्की $30 या $35 की है। मैं रियली पक्की लेना चाहती हूँ, मुझे पक्की बहुत अच्छी लगती है। ये होल फूड्स का ये जो बफे का इनका सेक्शन है जहाँ पे सैलड्स होते हैं तरह तरह के, वो उन्होंने बंद कर दिया कोविड की वजह से। होना जो पतीले ने खा लिया। प्यारी तेरी बारी, पतीले खड़क गए। पर जो भी वो चीज़ें बाहर रखते हैं अब उन्होंने ये कवर के पीछे रखी हैं, आप इसमें से भी चूज़ कर सकते हैं कि क्या खाना है। पर हस्बैंड को अब इतनी भरी चीज़ों में से समझ में नहीं आ रहा कि क्या खाएं। यहाँ पे मीट है, सैलड है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, एक्चुअली सारी हेल्दी ऑप्शंस हैं। देखते हैं कि हस्बैंड क्या चूज़ करते हैं। डैडी हमारे लीडर हैं, वो जिधर लेके जाएंगे झंडा उधर ही जाएगी। गाइस लुक, यहाँ पे है ये ऑर्गेनिक टर्मरिक रूट, इसे फ्रेश को कोट के दूध में डाल के पिए, पानी में डाल के पिए, इन्फ्लेमेशन में बहुत हेल्प होती है। सो अगर आपके पास ये आराम से मिलती है तो पिए। और देखो कितनी महंगी है, $10 दी पाउंड, लाइक 454 grams $10 में। डैडी मच्छी बाजार का दौरा करेंगे, घी ले आ जाए, चिंगा ले आ जाए। न्यूजीलैंड का लैम बच्चा है या ऑस्ट्रेलिया का? न्यूजीलैंड का बच्चा सबसे क्यूट लगता है। खान ली बारी है, बच्चा देख ली है, मरे हुए बच्चे देखने आ गई है, पहले सारे देखी मरे हुए बच्चे। नहीं, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का लैम सब तो बढ़िया, वो भी ग्रास फेड है। ग्रास फेड है। मैं अपने लाइक कैनेडियन फेलो कैनेडियंस को बताना चाहता हूँ, व्हेनेवर यू गेट द न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन ग्रास फेड, दिस इज काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मीट, वो मेट्रो में मिल जाता है एंड दैट इज चीपर देन व्हाट दे गेट इन ऑस्ट्रेलिया। ओह या या, सो ऑस्ट्रेलिया से भी हमें इधर सस्ता मिलता है, सो लैम खाओ। और अगर आप लोगों को, हिंदी में बोलूंगा मैं तो, अगर आप लोगों को लैम चॉप्स खाने हैं, लाइक बारबेक्यू ग्रिल करने हैं, दैट यू कैन गेट फ्रॉम कॉस्को, वो भी ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड ग्रास फेड लैम चॉप्स होते हैं। देयर इज नो कंपैरिजन विद द क्वालिटी। ओके, तो कब से हम यहाँ पे रोम अराउंड कर रहे हैं, पति ने हर चीज देख लिया और पति ने चूज किया नाचोस। ओ नाचो, ओ नाचो, इट्स नाचो। ऑलरेडी दोस्तों तो हस्बैंड आए थे यहाँ पे लेने के लिए कोई सैलेड या कुछ भी ना मटेरियल, पर उन्हें मिला नहीं क्योंकि इन्होंने अपना वो सारा बंद कर दिया, क्योंकि फिर लोग हाथ लगाते हैं ना तो कंटामिनेट हो जाता है। तो फिर हस्बैंड को कुछ खास मिला नहीं और उन्हें कुछ पसंद भी नहीं आ रहा, मुझे लगता नहीं हम यहाँ से कुछ खाएंगे। राइट, तो हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं यहाँ से कॉफ़ी ले लूँ, पर मैं कॉफ़ी नहीं पीना चाहती हूँ, मैं पीना चाहती हूँ पीची ड्रिंक टिम हॉर्टन से। एक तो वो डिलिशियस है, मुझे पीच फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और प्राइस बहुत अच्छा होता है टिम हॉर्टन का। नहीं, वाटरमेलन
सो उसका मुकाबला और कौन कर लेगा टिम हॉर्टन्स का। सो हस्बैंड अभी भी अपने लिए स्नैक पसंद करें कि क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। सो देखते हैं पति कितनी देर लगा। बर्गर सो एंड ऑफ द डे हस्बैंड ने लिया है A&W बर्गर, उन्हें अच्छा लगता है ये, और हिम्मत ट्राई करने वाला है उनके न्यू नगेट्स। सो गाइस हिम्मत नगेट्स का बहुत बड़ा फैन है। मिमी दस डू यू लाइक देयर नगेट्स? एवरीवन सेल नगेट्स राइट? Mummy, what nuggets are they? Mummy, can I tell you the truth? What? They are not chicken nuggets. What is it? It's a vegetarian. Guys, this tastes good. और ये दोस्तों तो मैं खाने वाली हूँ वेजिटेरियन नगेट्स बियॉन्ड द मीट ब्रांड है और हमने लिए हैं A&W से। मैं रिव्यू कर दूंगी कि सच्ची चिकन वर्गर टेस्ट कर दिया या नहीं। देखने के लिए तो काफी ज्यादा सही है, लाइक उन्ना चिकन वर्गर नहीं है, कुछ कुछ है कला मला, टेस्ट चे तो बहुत ज्यादा है। आफ्टर टेस्ट चे ना थोड़ा कड़वापन है। ओके नगेट्स के आफ्टर टेस्ट है कोई, आफ्टर जब फिनिश हो जाती है बाइट तो मुंह में ना कोई फ्लेवर जा रहा है ना, थोड़ा जा बिटर। हस्बैंड नू नहीं पता चल रहा है, मम्मी नू पता चल रहा है, मम्मी नू भी नहीं पता चल रहा है। सो क्या मैं ये नगेट्स खाऊंगी दोबारा? नहीं, यहाँ तो मैं नगेट ही नहीं खाऊंगी, जो खाऊंगी तो फिर वही खाऊंगी मैकडोनल्ड्स वाले। और लाइट दोस्तों हस्बैंड लेके आए हैं बहुत ही कमाल दी जगह पे पूप कैफे, आई डोंट नो क्यों। ओके केडी लानी है बवा की है यार, टॉयलेट सीटा में बैठे खानी। गाइस आई एम हैविंग आइसक्रीम, आई एम सो हैप्पी। I think. Reviews. Guys, do you know bubblegum was like so delicious? Okay. I love bubblegum. This is the same that you ate. कबाड़ता दिया है ना? हम्म, वो भी है। हिम्मत और डैडी एक दूसरे की आइसक्रीम ट्राई करते हुए, इनका प्यार डोल डोल के प्यारा है दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि डैडी के पास भी आइसक्रीम है। अगर डैडी को आइसक्रीम ना हुए तो हिम्मत शेयर कर ली कतराता है, पर बिके डैडी का स्टेटस अब बिल्कुल सेम है तो हिम्मत शेयर कर रहा है राइट। हिम्मत लिए बबल गम और डैडी ने लिया है एलमंड एंड पिस्टाचियो। मैं हिम्मत की भी खाऊंगी क्योंकि मुझे बबल गम बहुत अच्छी लगती है। एंड ही होते हैं गाइस देयर इज दिस पूप, इट इज लॉलीपॉप एक्चुअली द पूप। आई थिंक वी गो फ्रॉम दैट वे मिमी, आई डोंट नो। सो डैडी ने चेयर्स लगा दी है बहुत अच्छे स्पॉट पे, बैक अराउंड आइसक्रीम खाने और डैडी गॉट ब्लैंकी टू। ओके आइसक्रीम के रिव्यूज देना चाहूंगी। आइसक्रीम मुझे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी, मुझे बास्किन रॉबिन की बबल गम ही अच्छी लगती है। हिम्मत हजय भी वही कैंडी खा रहा है, हस्बैंड वहाँ पे बैठ के दुनिया को देख रहे हैं, चिल कर रहे हैं थोड़ा, उनको मच्छर भी लड़ रहा है मुझे लग रहा है, ये समंदर के पानी का मजा ले रहे हैं। आपको भी मैं थोड़ा सा मजा देने वाली हूँ, आप भी लीजिए, क्योंकि ये जो पानी की चलती हुई आवाज है ना बहुत सूदिंग लगती है मुझे, बहुत 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 मजेदार। सो कूल आई चेक इन माय ओ यार आई वांट टू द वाटर वाज सो कूल बिकॉज़ आई एम वेयरिंग दीस देन आई कैन गो। Say brush it off, girl. Don't listen to it.
You may think that I know too much, but now it's never too much. Because when push comes to shove, girl, just trust I won't get sick of us. You my salty crush. I'm doing something different. Your name's been on my tongue. My cup's been looking fuller. You're picking by my walls. And baby, let's settle up. Cause lately the world's been going crazy. And I'm gonna need somebody to talk. दोस्तों तो हम लोग पहुंच गए हैं हिम्मत के फेवरेट स्टोर। सो इस स्टोर का नाम है कॉस्को। हिम्मत को यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है। वो यहाँ पे बहुत समय स्पेंड करता है। I am recording, son. Let me just see. Look, where's the red light? मिमी को कॉस्को इतना पसंद है कि वो कह रहा मुझे घर ले दो कॉस्को के पास, कि हम लोग रोज कॉस्को आ पाए। हिम्मत कहता है कि डैडी कॉस्को में जॉब कर लो प्लीज। हिम्मत ज़्यादा कह रहा कि मुझे कॉस्को में जॉब पे लगवा दो। मिमी, can you give people a Costco tour because you love it? Guys, today we are never going inside the stoop. Because today we are going to poop Costco today. I hate Costco, guys. Today we are in the dumb Costco. So Himmat has taken his favorite store se liye hai, Doritos. Doritos. Now I love this store. Now I love this store, Himmat. हदवाना चंगे तो चंगा लभने की कोशिश में है। मैं नोटिस किया गाइस, जिन्ना हदवाना अगली होता है उन्ना ही डिलीशियस निकलता है। सो ये तबला बजा के देखेंगे। यार नींबू का साइज ना बहुत ज़्यादा बड़ा है। He tried to pick it up and go to the lost and found, and then but then we said you are YouTube channel. And I said, oh okay. Then Daddy said I need to ask question about this TV. So guys, ये सारी situation आपको इसने बता दी, मुझे नहीं पता इसे समझ चल गई है। ऐसे ही हुआ है। इस आदमी को लगा कि ये किसी और का कैमरा है, कह रहा कि मुझे बताओ ये तुम्हारा कैसे है। ओके, सो क्विक सा स्टोरी टाइम करने वाली हूँ मैं। आई थिंक आई लाइक इट। यू And Joppy, mommy was saying Joppy. If you don't know English, Mama, if you know English, you can skip this. Okay, दोस्तों, किन्नी जबान चलती है हिम्मत की। Okay, दोस्तों, हुआ यूं कि मैं ना वीडियो बना रही थी हमारे आते जाते की, तो ये कॉस्को स्टोर वाला एक बंदा आया, उसे लगा कि ये किसी और का कैमरा है। वो इसको लेके जाके लॉस्ट एंड फाउंड में डालने वाला था। तब तक मैं वापस आई, मैं कहा मेरा है। कह रहा है कि तुम मारा कैसे, तुम ऐसे कैसे रख के जा सकते हो। मैंने कहा कि मैं ऐसे नहीं रखा है, मैंने वीडियो बना रही हूँ। तब तक हस्बैंड ने आगे एक्सप्लेन किया ब्ला ब्ला ब्ला, और ये सारा जो सिनेरियो हुआ बहुत क्विकली हुआ। एनी कन्वर्सेशन तो हुई नहीं, पर यह हिम्मत को सारा समझ आ गया। पर मुख्य की गल है कि हमें हमारा कैमरा वापस मिल गया है। सो हमने कुछ समय पहले टीवी लिया जो हस्बैंड को कुछ पसंद किस्म का नहीं है,
तो वो उसे चेंज करना चाहते हैं या रिटर्न करना चाहते हैं, तो वो अपने लिए नया टीवी पसंद करते हैं और मैं और हिम्मत करें टाइम पास। सो जब तक हस्बैंड टीवी की सिलेक्शन कर रहे हैं तब तक हम वेले हैं, तो मैं क्विकली आपको कॉस्को की कॉल कर देती हूँ कि हमने क्या क्या लिया। सो मैंने लिए हैं ये मिनी एग प्लांट्स, इसके हम पकौड़े बना सकते हैं स्लाइस करके, या आलू बैंगन या परठा। और ये पेपर्स ली हैं, इसको मैं सैलड में यूज़ करती हूँ कच्चा खाने के लिए पास्ते में, या फिर मैक्रोनी पास्ता बनाते हैं हम ठंडे वाला सैलड बारबेक्यू के लिए, वो उसमें अच्छा लगता है। बीन्स ली हैं मैंने क्योंकि मेरा आलू बीन्स खाने के लिए मन कर रहा है, मुझे लगता है ये मैं आज ही बना लूँगी। क्रीम ली है मेरी कॉफ़ी के लिए, एंड अंडे लिए हैं, डोरीटोस हिम्मत ने लिए हैं, एंड लाइम लिया है हमारा सुबह लाइम पीने के लिए, बनाना हस्बैंड खाते हैं, और वाटरमेलन मेरा फेवरेट फ्रूट है वो लिया है मैंने, और ये किर्कलैंड ब्रांड की मेकअप वाइप्स क्योंकि ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, प्राइस बहुत अच्छा है, मेकअप बहुत अच्छी तरह रिमूव करती है, काफ़ी जेंटल है, इवन न्यूट्रोजिना से ज़्यादा जेंटल। कॉल हो चुकी है, आप पता नहीं हस्बैंड क्या कर रहे हैं। हस्बैंड का लग रहा है कोई टीवी लेने का प्लान नहीं है, अरे बहुत रिलैक्स होकर वॉक कर रहे हैं। क्या हस्बैंड कोई टीवी खरीदेंगे, क्या हस्बैंड को कुछ और पसंद आ गया। हेलो दोस्तों, सो दिस इज आउटफिट ऑफ द डे, शूज, ड्रेस, जूड़ा, गोल्ड की वालियाँ, नकली गोल्ड, गोल्ड की चेन, नकली गोल्ड, एंड ब्यूटीफुल मी, प्रिंसेस मी। ग्रॉसरी शॉपिंग करके वापस आ चुके हैं हम लोग, गाड़ी में बैठ गए हैं, प्यास लगी है, पानी पीने वाले हैं। हस्बैंड ने पानी की चोरी की है दोस्तों, ओके किसी और के ट्रॉली में लवारिस पानी पड़ा था और पति ने रह लिया, और हिम्मत ने बहुत किया कि मत लो डैडी मत लो, डैडी सेड की आई डोंट केयर। डैडी ने थोड़ी देर वेट की थी, कोई आंदा कोई आंदा कोई आंदा, कोई नहीं आया, डैडी ने पानी पिक कर लिया। No, maybe someone I was still like looking for some. कोई बंदे ने खजर खबारो के आना उन पानी बड़ा कुछ बहुत ही ज्यादा स्पाइसी किस्म का, आई डोंट नो। Lately I've been thinking about the choices I have made and doubt the life I've chosen for myself. I wonder how it would pan out if I stuck to the status quo and stayed in England, never know. But when I see my friends, I see them with this golden glow. It seems they can touch the rainbow. I guess I'll never know, never know, never know. Would that be me? If I stayed in my city. सो घर पहुंचने के बाद क्विकली हैंड वॉश करने के बाद मैंने सोचा सबसे पहले दाल रख देती हूँ, तो दाल रख रही हूँ मैं मसरा मूंगी की दाल, ये बहुत जल्दी बन जाएगी, ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। पर उसके बाद मैं बीन्स काट रही हूँ क्योंकि दाल के साथ ड्राई सब्ज़ी अच्छी लगती है। आई नो मैं वैसे बहुत थक गई थी बाहर घूम घूम के, पर फिर मेरा रोटी खाने के लिए मन है, यू नो सम रोटी हम बहुत ज़्यादा कम खाते हैं, एवरी डे नहीं खाते हैं, लाइक हर दो तीन दिन बाद खाते हैं रोटी, अदरवाइज हम कुछ आलतू फालतू चीज़ें खाते हैं, सैलड्स खाते हैं, राइस खा लेंगे हम लोग, पर रोटी बहुत ज़्यादा नहीं खाते हम लोग। इसी तरह ना मैं व्हाट आई ईट इन अ डे आपके साथ शेयर करूँगी, या व्हाट आई ईट इन अ वीक, तो आपको पता चलेगा कि रोटी हम कितने कम टाइम खाते हैं। सो आज मेरा रोटी खाने के लिए मन है, तो रोटी के लिए बेस्ट होती है दाल एंड कोई सूखी सब्ज़ी। सो यस बीन्स बना रही हूँ मैं, जल्दी से मैंने दोनों चीज़ों का तड़का एक ही साथ लगा लिया है, वहाँ पे मेरी सब्जी कुक हो रही है, ये आलू बीन्स रेडी हो गए, बीन्स को काटने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ऑलराइट, दाल एंड सब्जी ऑलमोस्ट बन चुकी है, और अब मुझे पता चला है कि आटा भी नहीं है मेरे पास, तो आटा गूंद लेंगे जल्दी से। और समय हो चुका है 8:40, हमारा यूजुअल से डिनर का टाइम बहुत लेट है, पर खाने के बाद हम एक डेढ़ घंटे के लिए वॉक करने के लिए जाएंगे, तो डिलीवरी उसके बाद मुझे एडिटिंग भी करनी है, तो सोते सोते 12:00 बज जाएंगे, सो समय गड़बड़ा चुका है, बट इट्स ओके। पर ये है कि मैंने कुक करते करते क्लीनिंग भी कर ली है, लाइक डिशेस भी वॉश कर ली हैं, ये सारे एरिया को भी क्लीन कर लिया है। आई गेस आप देख रहे हैं वो वाटरमेलन है, उसको टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब वाटरमेलन लेके आते हैं हम। सो मुझे लग रहा था कि बहुत मीठा होगा, पर ठीक ठाक है, लाइक बुरा नहीं है, पर इतना मीठा नहीं।
ओके दोस्तों, मैं बहुत बुरी तरह थक चुकी हूँ, वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं है, पर फिर भी मैं सोचा बनानी है, क्योंकि फिर फायदा क्या कि खाना बनाने का अगर आपको नहीं दिखाया, क्योंकि बहुत बार मैं दिखाती हूँ फिर आप कहते हैं कि दिखाते हैं। सो मूंगी मसरा की दाल है, आलू बीन की सब्जी है, साथ में टेढ़ी मेढ़ी रोटी है, क्योंकि आटा गूंदने का मुझे याद नहीं रहा, ऑन द स्पॉट गूंद के बनाई है मैंने रोटी, तो फिर थोड़ी भिंगी टेंगी हो गई है, पर पति साइड की हील मैनेज, इट्स ओके। सो बीन्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, खा के बताती हूँ कि सीजनिंग सही है या नहीं। बहुत मिंडर रहती, नींद नहीं आई वजह मैं नींद भी आ जाती है, एंड आई एम टायर्ड। ओके बीन्स अच्छी बनी है, बीन्स में ना जिंजर का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, और मसर मूंगी दाल दे एक्सपर्ट, तो ठीक लगी, बहुत अच्छा है। बीन्स जो सॉल्ट काटा ना, सॉल्ट दोनों जी काटा, जो कि बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलो ठीक है, खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बना था, नमक बहुत कम था, पर हमें चलता है, मैंने थोड़ा अचार ले लिया था मेरे ख्याल से, पर यह फूड बहुत 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 मज़ेदार लगा मुझे। पीछे आई थिंक रिफ्लेक्शन में आप देख सकते हैं कि बिग बॉस OTT चल रहा है, ये एक आधा एपिसोड ही देखा हमने, उसके बाद हमने बिल्कुल नहीं देखा, अब तो मुझे लग रहा है ख़त्म भी हो गया है, अब तो नया बिग बॉस शुरू होने वाला है, आप देख रहे हैं नया बिग बॉस, प्लीज़ मुझे बताना। ऑलराइट दोस्तों, हम थोड़ी सी वॉक करके आए हैं आउटसाइड से, अब मैंने सामान को समेटा है, मेरे हस्बैंड का पेट बहुत ज़्यादा भर गया है, इतना ज़्यादा कि उनको सह नहीं आ रहा, और उन्होंने पिया है इनो, और इनो का एंड इनो का जो मेरे पास वर्जन है वो इतना अच्छा नहीं है, वो इतना पावरफुल नहीं है, पता नहीं हस्बैंड नो सह आया कि नहीं, पूछते हैं, बहुत फर्क पिया। सो मेरे पति दा मूंगी मसर खा के भी गाइस हो जाता सब कता, मेरे पास एनर्जी जीरो आ, पर सफाई करके सोना पड़ा मेनू, क्योंकि फिर मेनू ना घबराहट होना पड़ी, गाइस अगर आप फ्रेंड्स देखते हैं तो थोड़ा जहा मोनिका का वर्जन हूँ मैं, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा ही, सो दिल दे पत्थर रख के सफाई कराएंगे। सामान को मैंने फ्रिज में तो रख लिया है, बस वॉश करना बाकी है, ज्यादा नहीं है ही वैसे करने के लिए। सो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा, अगर किया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना एंड कमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे मुझे बहुत मदद होती है, एंड मैं मिलूंगी आपको जल्दी ही कल या परसों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, आई लव यू गाइस वेरी मच। I love you, I love you, I love you.